नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम नहीं इमोशन है हर भारतीय के लिए। आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। आज़ाद हिंद फौज के गठन को लेकर उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं आयुषी और आज मैं आपको लेकर आई हूँ कोलकाता के नेताजी भवन में। ১৯০৯ में नेताजी के पिताजी जानकीनाथ बोस ने इस घर को बनवाया था। तब से ये भवन स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधि में लगा हुआ था। क्या आप जानते हैं, यही वो भवन है जहां से नेताजी को अंग्रेज सरकार ने नजरबंद करके रखा था। इस भवन में वो सीढ़ियां और गाड़ी अभी भी है जहां से नेताजी अंग्रेजों की कैद से भाग निकलने में सफल हुए थे। यहां आपको नेताजी से जुड़ी कई यादें मिलेंगी जिनकी देखभाल अब उनके पोते सुक्ता बोस करते हैं। नेताजी की वर्दी, उनका बैड, उनकी किताबें और लेटर, यहां आपको हर जगह नेताजी की यादें ही मिलेंगी जो हमसे देश के प्रति उनके प्यार के बारे में बातें करती है। इस भवन में नेताजी से जुड़ी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। नेताजी ने इस भवन में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की नीति पर विचार किया था और इस घर में अंग्रेजों की कैद से निकलकर ही वो कंधार के रास्ते जर्मनी गए थे। नेताजी की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने नेताजी भवन का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने उनसे जुड़ी काफी चीजों को देखा और उनके बिस्तर को भी प्रणाम किया। उसके बाद पीएम मोदी खुद को भावुक होने से रोक ना सके। पीएम मोदी ने ही नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इतना ही नहीं, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी की प्रतिमा को भी पीएम मोदी ने उनकी 125वीं जयंती पर सम्मान देते हुए प्रणाम किया। नेताजी के प्रति पीएम मोदी की श्रद्धा है कि उन्होंने 21 अक्टूबर के दिन लाल किले से फिर से झंडा फहराया था। ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब नेताजी ने देश की आजादी के संघर्ष की नींव रखी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी जितनी रहस्यमय रही उतना ही विशाल उनका जीवन रहा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। तो ये है नेताजी भवन। आप भी हमें बताएं कि नेताजी भवन को देख के आपको कैसा महसूस हुआ।